प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी का अध्याय एक राग की रस्सी पढ़ेंगे। यह अध्याय हिंदी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 की का पहला अध्याय राग की रस्सी है। आज हम इसे पढ़ेंगे। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग्वसेन कांपो के मंत्री थे। जो लोनपो गार थे वो किनके मंत्री थे? सोनग्वसेन गांपो के। वे अपनी चालाकी, हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जो लोनपो गार थे वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। तो क्या हुआ, जो लोनपो गार हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, मगर जैसे ही उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण क्या था कि उनका जो बेटा था वह बहुत भोला था और उसको होशियारी छूकर भी नहीं आती थी, मतलब वो बिल्कुल होशियार नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोनपो गार सोचने लगा कि मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है, इसके बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इसे लेकर शहर जाओ, मगर इसे मारना या बेचना नहीं। इसके बाद क्या हुआ, लोनपो गार ने एक दिन अपने बेटे को कितनी भेड़ दी? 100 भेड़ें दी और कहा, तुम इसको लेकर शहर जाओ और इसको मारना नहीं है ना ही बेचना है, और इसे वापस लाना तो कितने 100 जो बोरों के साथ लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर वह बहुत सोचने विचारने लगा कि मैं इतने बोरे जौ खरीदने के लिए कहां से पैसे लाऊंगा। उसको कोई हल समझ नहीं आ रहा था, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर वह सड़क के किनारे जाके बैठ गया। फिर वहाँ एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लोनपो गार के बेटे ने अपना सारा हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। फिर बाद में लड़की ने लोनपो गार के बेटे से कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है। उसने हल निकाला और क्या किया, भेड़ों के बाल काट दिए और उसे उतार कर कहाँ बेच दिए, बाजार में। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। फिर उसे जो बाल बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले उसने लोनपो गार के बेटे को दिए और 100 बोरे जो खरीद के घर वापस भेज दिया। फिर लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर लोनपो गार का बेटा जब घर वापस गया तो उसने पिता को अपनी सारी आपबीती सुनाई कि उन्हें ये पैसे कहाँ से मिले और उसने कैसे 100 जौ के बोरे खरीदे। मगर क्या हुआ, वे उठकर कमरे में बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। लोनपो गार ने जैसे अपनी आपबीती सुनाई, उसे सुनकर लोनपो गार जो है वो कमरे में चले गए। फिर दूसरे दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतारकर बेचा था पर मुझे पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हें भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ की 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर क्या हुआ, उनके साथ 100 बोरे
लेकर ही लौटना। किसने बोला? लोनपोगार ने। किससे? उनके बेटे से। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। फिर निराश होकर लोनपोगार का बेटा फिर शहर गया। उसी जगह सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। उसे यह यकीन था कि शायद वो लड़की फिर से मदद करने आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना चौके 100 बोरों के बारे में कि मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। फिर जो लोनपोगार का जो बेटा है, उसने लड़की से कहा, अगर मैं इस बार बिना जौ के 100 बोरों के साथ जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। फिर लड़की ने सोचकर एक तरीका निकाला। क्या तरीका? कि उसने भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया, और उनसे जो पैसे मिले उससे उनने क्या किया, 100 बोरे जो खरीद लिए। फिर बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर लोनपोगार का बेटा घर चला गया जो के बोरे लेकर। भेड़े और जो के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश हुआ। उसने बिजी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। फिर जब लोनपोगार का बेटा घर लौटा तो उसने भेड़ें और जौ के बोरे किसको हवाले कर दिया? पिता के हवाले। और लोनपोगार का बेटा बहुत खुश हुआ। उसे बिजी भाव से सारी कहानी तो अपने पिता को सुना दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। फिर उस लड़की ने मतलब लोनपोगार जो है, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ उस लड़की से कहना कि लोनपोगार के लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। राख क्या होती है? जो हम किसी चीज़ को जला देते हैं, लकड़ी या किसी रस्सी या फिर कपड़े को जला देते हैं, उसके बाद जो राख या भस्म बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? राख। तो उसकी रस्सी बना कर दें। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। फिर जो लोनपोगार का बेटा है, वह उस लड़की के पास जाकर उसने पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। उस लड़की ने क्या शर्त रखी? कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी मगर उसको आपके पिता को गले में पहननी होगी। तो यह बात सुन के लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। उन्होंने मन में सोचा कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है, उसे बनाना तो असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लोनपोगार ने क्या किया? उस लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। उस लड़की ने क्या किया? 9 हाथ लंबी रस्सी बनाई और उसको एक पत्थर पर रखा और उसको चला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। मतलब उसने जैसे ही रस्सी जलाई और उसकी राख जो थी उसी के आकार में बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसने उसे पहनने के लिए कहा। फिर लोनपोगार के पास वह राख और सिल दोनों ही लेकर गई। तो राख जो सिल थी, पत्थर की सिल, उस पर जली हुई राख की जो रस्सी है उसका आकार बना हुआ था। उसने लोनपोगार से कहा कि अब आप इसको गले में पहने। तो लोनपोगार ने जैसे ही रस्सी देखी, लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। ये जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। फिर जैसे ही लोनपोगार ने वह राख की रस्सी देखी तो वह चकित हो गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी कोई कैसे पहन सकता है, राख तो भस्म है, जैसे एक मिट्टी होती है, तो हम उसकी माला कैसे गले में पहन सकते हैं, क्योंकि उसको तो उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी
अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। जैसे ही उन्होंने लोनपोगार ने लड़की की समझदारी देखी तो उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। धरी की धरी रह गई मतलब उनकी चालाकी भी कम पड़ गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। फिर लोनपोगार ने क्या किया, बिना वक्त गवाए उन्होंने उस लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा और फिर धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी। आज हमने रिमझिम कक्षा 5 का प्रथम अध्याय राग की रस्सी का पूरा किया है और इस अध्याय के प्रश्नाभ्यास शब्द अर्थ आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। मुझे आशा है कि आज आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।